ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज हम बात करने वाले हैं सूर्य राहु ग्रहण दोष के बारे में। तो कल्पेश जी, सूर्य राहु का ग्रहण दोष ये आखिरकार है क्या, किस तरह से हम सबके जीवन को प्रभावित करता है और क्या कुछ इसके फायदे और नुकसान नजर आते हैं? आज हम बात करेंगे सूर्य राहु के ग्रहण दोष के बारे में। ये सूर्य राहु का ग्रहण दोष होता क्या है, इंसान की कुंडली के अंदर कैसे लगता है, उसके उपाय क्या है, और वो यदि आपको फायदा भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो पहले तो जानना जरूरी है कि आपकी कुंडली में लगता कैसे है। तो किसी भी जातक की कुंडली में यदि सूर्य के साथ जब राहु बैठ जाता है, कोई भी फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस के बीच में कहीं भी बैठता है, तो उसको बोला जाता है सूर्य राहु का ग्रहण दोष। कई लोग उसको पितृदोष भी बोलते हैं, लेकिन ये गलत है बात। ये ग्रहण दोष है जब सूर्य यानी आत्मा है, सूर्य यानी पिता है, सूर्य यानी बॉस है, सूर्य यानी सत्ता है। तो ये सारी चीज़ों में जब राहु लग जाता है तो राहु उसमें रुकावट पैदा करता है। तो ये होता है सूर्य राहु का ग्रहण दोष। इंसान के जीवन में यदि नौकरी करता है तो उसको बॉस से परेशानी होती है, घर में पिता के साथ तकलीफ होती है, वो उसका शारीरिक बीमारी भी रह सकता है, उसके पेट का प्रॉब्लम भी आ सकता है, आँखों की बीमारी भी आ सकती है। ये सारा करता है सूर्य राहु का ग्रहण दोष। मित्रों, ये सूर्य के राहु के ग्रहण दोष में इतनी सारी नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, राहु एक हवा है, और यदि एक ही स्थान में सूर्य राहु का ग्रहण दोष बैठ गया है, लेकिन उसके अंदर यदि उन दोनों की डिग्री यानी कि सूर्य की डिग्री कम है, उसमें राहु की डिग्री ज़्यादा है, तो समझ लो कि वो दोष आपको इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा। वो ऊपर से आपके बॉस से आपको अच्छा रहेगा और आप बॉस से ही आगे आओगे। तो सूर्य राहु से पहले तो घबराइए मत। सूर्य राहु का ग्रहण आपकी कुंडली में किस प्रकार असर कर रहा है ये जानिए, कौन से स्थान में बैठा हुआ है। फर्स्ट हाउस में है तो आपके लिए आपको गुस्सा ज़्यादा दिला सकता है, फर्स्ट हाउस में होता है तो आप प्राउडी ज़्यादा हो सकते हो। दूसरे हाउस में होता है तो आपके कुटुंब के अंदर, आपके घर के अंदर कोई इंसान ऐसा होता है कि उससे आपको हैरान परेशान होना पड़ता है। थर्ड हाउस में होता है तो आपके भाई ऐसे पैदा होते हैं। चौथे हाउस में होता है तो आपकी माँ के लिए भी आपको टेंशन रह सकता है। पंचम स्थान में होता है तो संतान अपना गुस्से वाला आता है। छठे स्थान के अंदर रोग और शत्रु स्थान में होता है तो आपके रोग पे आपको निजात मिलती है। सप्तम स्थान में होता है तो पत्नी के साथ आपके रिश्ते बिगड़ते हैं, या तो एक बार शादी टूटते हुए भी देख सकते हैं। अष्टम स्थान में होता है तो यही ग्रहण दोष आपको आकस्मिक बेनिफिट भी दे सकता है। नवम भाव में होता है तो आपको यही सूर्य राहु ग्रह दोष नेगेटिव नहीं है और पॉजिटिव है तो अच्छी यात्राएं भी करवा सकता है, आपको उसमें कोई भी जगह पे नामना प्रतिष्ठा भी दे सकता है। दसम स्थान में होता है तो पिता के साथ कई बार रिश्ते टूटते हैं, लेकिन यदि सही अच्छा होता है तो उनके साथ अच्छा रहता है। ग्यारहवें स्थान में होता है तो अपने मित्र से हम आगे आते हैं। इस प्रकार बारहवें स्थान में भी यदि होता है तो आपको विदेश में जाने के बाद अच्छी सफलता मिलते हैं, विदेश में जाने के बाद आपका नामना प्रतिष्ठा बढ़ सकता है। ऐसे सूर्य राहु का ग्रहण दोष नेगेटिव तो है लेकिन उसके साथ पॉजिटिव भी रिजल्ट देता है। अब उसका यदि आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसका उपाय क्या है? तो पहले तो एक बात बताना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार खराब होता है तो जो जो कारक होता है इसका, यानी ये अपने लिए बोले तो अपने पिता का कारक माना जाता है, अपने बॉस का कारक माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को यदि आप अच्छी तरीके से बोलोगे, उसका नामना प्रतिष्ठा करोगे, उसके लिए थोड़ा अच्छा बोलोगे, तो आपको ये ग्रहण दोष फायदा करेगा। और हो सके तो डेली सुबह मॉर्निंग में जब सूरज निकलता है उस समय सूरज भगवान का दर्शन कीजिए, उसको जल चढ़ाए, लेकिन जल चढ़ाते समय जब आप जल चढ़ाते हो उस जल के अंदर से यदि सूर्य के दर्शन करोगे और मंत्र बोलोगे, क्योंकि मंत्र से जो मंत्र बोलने के बाद आपके शरीर के अंदर वो उसकी रेस आती है, जो कलर आपके अंदर नहीं है वो कलर की आपको उसकी इफेक्ट मिलती है। और हो सके तो आप गुड़ का और गेहूं का भी दान करोगे तो भी आपका ग्रहण दोष शांत होता है। बस ग्रहण दोष के लिए इसकी पूजा भी करवा सकते हो, इसका यंत्र भी घर पे रख सकते हो, लेकिन डेली उसकी पूजा करनी ज़रूरी रहती है यंत्र की, तो ही आपको बेनिफिट देता है। सस्ता और अच्छा उपाय यही है कि अपने बॉस को संभालो और अपने पिता के साथ अच्छे रिश्ते रखो, और पिता को हो सके तो मैरून कलर यानी ब्राउन कलर भी यदि आप उनको देते हो पिता को, और संडे के दिन देते हो, संडे को पिता के साथ अच्छा दिन व्यतीत करते हो, तो भी आपको ये ग्रहण दोष शांति दे सकता है। तो ये तो कल्पेश जी ने आप सभी को जानकारी दी सूर्य राहु के ग्रहण दोष के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपके जीवन में जरूर फायदेमंद साबित होगी। और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देंगे आपके भेजे हुए ईमेल्स का जवाब।
और साथ ही आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल कीजिए kalpeshupadhyay41@yahoo.in पर। सब्जेक्ट में समय चक्र लिखना ना भूलें। साथ ही अपनी जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न पूछिए। कल्पेश जी आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए जानो दुनिया। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ, आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स अहमदाबाद, मोबाइल 9904900300।